जे एम एल ए साहब नाम लिया उन्होंने की पता सी पी ए तो एम एल ए कट्ठे आए हैं उन्हें कहा कि पैसे अंदर रख दो इस बद की हो सकता ये साढ़े बच्चे श्रोमणी अकाली दल की सी इसे करके मलूका साहब की कमेटी बनाई थी मलूका साहब ने श्रोमणी कमेटी चो श्रोमणी अकाली दल चो कढ़िया क्योंकि इन शिकायत सगिया है पैसे पूसे लैन दिन पहला 1000 रुपया उन्हें देना सी 11 महीने हो गए 11000 तो हो गया हूँ जे एक जो लोड़ बनता है 11000 रुपये वो अकाउंट के पै जाए तो फड़ने खा है अज नहीं पिया तो उन्होंने तो वोटा ता ही पाइया चाहिए कि सबसे गरंटी दे रहे हैं देखो 12 मंत्री ने 2 मंत्री ने अपने आप ही हटाते तो यदा मतलब हम तुम देख लो कि 25% 30% तो करप्शन आई गया ना काम कोई धरना नहीं लगेगा कोई स्ट्राइक नहीं होगी असं आवेंगे कोई अनइंप्लॉयड नहीं रहेगा साढ़े को आके अंग्रेज नौकरियां कर करे आ साढ़े मुंडे भी बाहर उड़ने जा रहे हैं केजरीवाल साहब कह रहे कट्टर ईमानदारी की गल करते हैं फिर जो नहीं फड़ते फिर कट्टरबाज की गल है ही नहीं तो अब उन्होंने ड्यूटी बन जाए उन्होंने भी फड़क जो बाकी करते हैं अब उन्होंने भी फड़क अंदर जेने केजरीवाल ने कहा कि मेरी भैन है तू मेरे से विश्वास कर ला थले तेन सब तो पहले नौकरी दे देवे अज हर जगह से वो प्रोटेस्ट कर रही है कुछ जिन्हें भी किया है असं कहने भी जाति नहीं होनी चाहिए धक्का नहीं होना चाहिए गलत गल नहीं होनी चाहिए जो भी हैगा वो करने से कह रहे हैं देख पुत्र असीं शुरू तो कह रहे हैं कि असीं कहा कि इन्हां नूं टाइम दे दिओ आलमोस्ट 11 महीने हो गए 1 महीने तक 1 साल हो जूगा पूरा वादे पूरे पूरे आ देखिए जिन्नियां साडियां धीआं ने भैणां ने मावां ने उन्हां दा 11000 रुपये का बकाया हो ही गया ना मानसा नहीं 1000 रुपये उन्हें देना सीगा 11 महीने हो गए 11000 तो हो गया हूँ जे एक जो लोड़ बनता उन्होंने 11000 रुपये वो अकाउंट के पै जाए तो फड़ने खा है अज नहीं पिया तो उन्होंने तो वोटा ता ही पाइया चाहिए कि सबसे गरंटी दे रहे हैं अच्छी गरंटी दी उन्होंने कोई वादा नहीं किया तो गरंटी तो हूँ बिच बिच आई रहेगी एक नहीं आप किनिया गरंटी उन्होंने यही गल कही कि जे जे साड़ी सरकार बन गई कोई धरना नहीं लगेगा कोई स्ट्राइक नहीं होगी असं आवेंगे कोई अनइंप्लॉयड नहीं रहेगा साढ़े को आके अंग्रेज नौकरियां करे करे आ साढ़े मुंडे भी बाहर उड़ने जा रहे हैं तो अनइंप्लॉयमेंट भी वो तो वध है धरने भी वो तो वध लग रहे हैं जेने केजरीवाल ने कहा कि मेरी भैन है तू मेरे से विश्वास कर ला थले तेन सब तो पहले नौकरी देने देवे अज हर जगह से वो प्रोटेस्ट कर रही है कुड़ी एक बंद नौकरी देना कि कि बड़ी गल होंगी है जिन्होंने प्रोमिस कर लिया भैन कहता तो फिर पढ़ी लिखी कुड़ी आ पर वो भी लटक रही है बेचारी वो एक हैंडीकैप सी उन्होंने उतो तार के लिया भी तेन आया उत्तर सी एम महोदय मैं कल परसों देख रहा है कि वह कहना जी मैं 10 गेड़े मारिया सी एम मैंने कोई मिलते ही नहीं उ सो कहते करन दे विच बहुत बड़ा फर्क है जिहड़ी इह गल करदे सी कि 70 साल दे विच कुछ नहीं होया 70 साल दे विच दुनिया बदली है जिहड़े बजुर्ग ने जिहड़े 70 साल तो उत्ते ने उन्होंने पुछ के देखो ना इत्थे किते सड़क हुंदी सी ना बिजली हुंदी सी ना पानी हुंदा सी कोई चीज़ नहीं सी हुंदी आ सारा कुछ उदों होया ना कोई कार सी ना कोई सैकल भी नहीं सी हुंदा पिंडां दे विच सो दुनिया बदल गई इन्हां दा फर्ज बनदा सी कहना कि उन्होंने जो किया किया असी उन्हों तो बहुत ज्यादा करा असी ईमानदारी ना करा ना तो ईमानदारी रही ना कम रहे वो तो मूँह जबानी निकल ही रहेगी अनाउंस किया जी मेरे तो इधर करके पैसे मंगते हैं तो बिजनेस बुलाई गई सी एम एल ए साहब का उन्हें नाम लिया सीधा जे एम एल ए साहब नाम लिया उन्होंने की पता सगा तो पी ए तो एम एल ए कट्ठे आए हैं उन्हें कहा कि पैसे अंदर रख दो इस बाद की हो सकता सो ये तो पहला भी ये साढ़े बिच ही श्रोमणी अकाली दल से इसे करके मलूका साहब की कमेटी बनाई थी मलूका साहब ने श्रोमणी कमेटी चो श्रोमणी अकाली दल चो कढ़िया सी क्योंकि इन शिकायत सगिया है पैसे पूसे लैन दिन पहला सो यदा एक की गल करते हो इस सारा कुछ तुम आ देखो 1 साल लंघन दो साल तो बाद देखो भी किमें फटाफट चलता है अज सारे ये तो कहते बदलाव की गल ही है जो अज आप देख रहे हैं एक बदलाव का एक पार्ट है ये कि भी करप्शन दो तो मंत्री देखो 12 मंत्री ने 2 मंत्री ने अपने आप ही हटाते यदा मतलब हम तुम देख लो कि 25% 30% तो करप्शन के आई गया ना काम सो आले काम दिन पर दिन पता ही है
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਟੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਫਿਰ ਕਟੜੇ ਬਾਜ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਾਦਰ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 5.5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਪੱਟੋਗੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਹੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਟੋਗੇ ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲੂਗਾ ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸੋ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5.5 ਫੁੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ 70 ਫੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ 10 ਫੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛਾਪਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਨੇ ਬਾਨੇ ਆਈ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 5.5 ਫੁੱਟ ਦਊਂਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।